हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्विला क्लासेस। आई एम निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में, और आज मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं एक एक करके जो भी टॉपिक रहता है उसको मैं लेक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप बोर्ड पे क्यों नहीं समझाते करके। बोर्ड पे इसीलिए समझाती नहीं हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बोर्ड पे अगर लिख दिया जाता है तो लोग स्क्रीनशॉट करके और इसके बाद में फटाक से लिख लेते हैं, और लोग अपने लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। और अगर मैं लेक्चर के माध्यम से अगर आपको समझाती हूँ तो लोग उसको सुनते हैं पहले, इसके बाद में कॉपी में नोट करते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि याद हो जाता है। स्क्रीनशॉट मार के वो तुरंत भर में लिख लेंगे तो ऐसे याद नहीं हो पाता है। और लेक्चर के माध्यम से पहले सुनना पड़ता है, इसके बाद जो भी मैं बोलती हूँ उसको वन बाई वन लिखना पड़ता है। इसकी वजह से आपको वो बहुत ही समझने में बहुत ही आसानी होती है, इसीलिए मैं लेक्चर के माध्यम से कोई भी चीज़ समझाती हूँ। आपको पता होगा, हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में, आपको पता होगा कि जो प्रोटेक्शन काउंसिल है, प्रोटेक्शन काउंसिल 1986 की स्थापना का मेन ऑब्जेक्ट था कि कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। एंड जो भी विवाद हो जाता है, जैसे जो भी आप क्रय करते हो, जो भी आप खरीदते हो, उसके अंतर्गत कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होता है, और इसमें अगर आपको कोई भी जैसे नुकसान हो जाता है, आपको 20 लाख से अंदर तक का अगर आपके आपके क्रय करने में कोई भी कंज्यूम करते हैं और उसका नुकसान होता है, तो आप 20 लाख से अंतर्गत अगर आपको नुकसान होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी सेक्शन में दिया गया है उसको मैं बताऊँगी। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 में बताया गया है। तो सेक्शन 9 के बारे में बताऊंगी मैं आपको। सेक्शन 9 में यही कहा गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता फोरम होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की स्थापना की जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट फोरम के अलावा दूसरी डिस्ट्रिक्ट फोरम भी हो सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। ऐसा नहीं कि एक जिला में एक ही डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, हो सकता है कि दो भी हो सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे दो या तीन भी हो सकता है, ऐसा सेक्शन 9 में कहा गया है। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया। सेक्शन 10 में कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है सेक्शन 10 में? कि उसके कंपोजिशन, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है उसके कंपोजिशन के बारे में बताया गया। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में है, एक अध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होंगे, और दो सदस्यों को जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा, जो भी जैसे अध्यक्ष हो गए या दो सदस्य हो गए, उनकी राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष होंगे, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा, कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के जो अध्यक्ष होंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाके अध्यक्ष बन जाएगा, ऐसा नहीं। या तो वो जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसका उसका वो न्यायाधीश रह चुका हो, यानी तो फिर न्यायाधीश हो, वही व्यक्ति आपको जिला उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन के पद पर आ सकता है। और दो सदस्य जो होंगे वो व्यक्ति, वही व्यक्ति बन सकता है दो सदस्य डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के, जैसे कि जो आर्ट में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, या जो हर चीज़ के क्षेत्र में जो जो ज्ञान रखता हो, नॉलेज रखता हो, विशेष जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वही व्यक्ति दो सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, और वो भी जो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा सेक्शन 10 में कहा गया है। और सारे लोगों की जो जो अवधि है, पद ग्रहण करने की अवधि है या पद रहने की अवधि है, पद पर रहने की अवधि है, वो 5 ईयर तक होगी, और 65 ईयर में आप
65 ईयर में आप रिटायर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने समझ लिया कि 5 ईयर तक आपकी आप पद पर बने रह सकते हैं और 65 ईयर तक आप रिटायरमेंट हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पर जो भी वेतन भत्ता जो भी चीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा सेक्शन 10 में कहा गया है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि सेक्शन 9 में क्या कहा गया है और सेक्शन 10 में क्या कहा गया है। अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप किस तरह की शिकायत कर सकते हैं। अभी मैं न्यूज़पेपर खोल के 4-5 दिन पहले का न्यूज़पेपर खोल के मैं देख रही थी, जब मैंने पढ़ा तो देखा कि एक जो BHU की लड़की थी उसने फ्लिपकार्ट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि कंपनी की बदनामी हो जाएगी, शायद कोई कंपनी से उसने मोबाइल मंगाया था, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से उसने मोबाइल को आईफोन मंगाया था। जब जो BHU की जो स्टूडेंट थी, उसने जो ऑनलाइन ऑर्डर आया था उसको जब खोल के देखा तो उसने भौचक्का रह गई कि जो उसने 60,000 रुपीज़ में मोबाइल को मंगाया था वही मोबाइल मात्र 7,000 रुपये में था और वो भी एक घटिया किस्म की कंपनी का मोबाइल उसे दे दिया गया था। जब ऐसा उसने देखा तो उसने फट से पुलिस के पास FIR दर्ज करने के लिए गई तो उसे कहा गया कि आप जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कीजिए क्योंकि यह उपभोक्ता कंज्यूमर के साथ गलत व्यवहार किया गया है, कंज्यूमर को ठगा गया है, इसीलिए आप जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कीजिए। उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में तुरंत शिकायत की और इसके बाद उसे जो उसने जो आईफोन मंगाया था उसने माफ़ी मांगी और उसके आईफोन जो घटिया सा मोबाइल दिया गया था उसके बदले उसे आईफोन दिया गया कंपनसेशन सहित। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सरकार ने नियम इतने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं कि आप हर एक शिकायत को अपनी बातों को सामने रख सकते हो और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और एक और केस मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, जैसे आप TV पे कोई भी विज्ञापन आता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे शैम्पू का प्रचार है कि ये शैम्पू लगाइए तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, या आप कोई भी जैसे साबुन का प्रचार आता है, सॉप का एडवर्टाइजमेंट आता है कि ये साबुन लगाइए तो आप गोरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो हम लोग क्या है कि दिग्भ्रमित होकर वो सामान खरीदने के पीछे उतारू हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग ना जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बस एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और हम लोग लेने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। एक महिला ने क्या किया था कि शैम्पू उसने खरीदा एडवर्टाइजमेंट को देख के, जो ऐड आता है उसको देख के उससे प्रेरित होकर उसने शैम्पू को खरीदा। जब उसने शैम्पू को खरीदा और उसने लगाई, वह शैम्पू नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उस कंपनी का बदनामी हो सकता है, जब उसने खरीदा और उसे लगाई तो उसके बालों में पूरे गुच्छे 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 हो गए। गुच्छे गुच्छे हो जाने की वजह से उसका बाल पूरा खराब हो गया। फिर इसके अंतर्गत वो क्या करेगी, बेचारी का तो बाल पूरा पूरा ख़राब हो गया, अब बेचारी को टकली होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका बाल पूरा ख़राब हो चुका था। उसने तुरंत भर में उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराया, उस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, उस कंपनी ने माफ़ी मांगी और उसको कंपनसेशन सहित उस बाल तो नहीं उगा सका लेकिन कंपनसेशन जरूर मिल गया। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम, जैसे जिला के अंतर्गत हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, एंड स्टेट के अंतर्गत स्टेट कंज्यूमर फोरम, एंड सेंट्रल लेबर के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप कोई भी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं अपने साथ जो घटना होती है। तो आज मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में बताई हूँ, इससे पहले मैंने स्टेट कंज्यूमर फोरम के बारे में बताई थी एंड सेंट्रल कंज्यूमर फोरम के बारे में बताई थी। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि मैम आप मेरे को ये टॉपिक चाहिए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ज़रूर आपके जो भी कमेंट रहते हैं उसको मैं पढ़ती हूँ एंड हमेशा उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी, तो यही क्वेश्चन है मेरा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्थापना कब की गई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल है उसकी स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे एंड थैंक यू।